सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू साइबर गेमिंग। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप लोग बना सकते हो मॉडर्न हाउस इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो को बिगिन करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि कैसे आप लोग ऐसा मॉडर्न हाउस बना सकते हो। लेट्स बिगिन। सो गाइस, आपको मॉडर्न हाउस बनाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। ये सारी चीज़ें लेने के बाद फिर आपने ये जो ग्लास है वो यहाँ पर चार ब्लॉक लगाने हैं। चार ब्लॉक ये जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे लगाने के बाद फिर आपने चार ब्लॉक छोड़ के फिर से चार ब्लॉक आपने ग्लास लगा देने हैं। जैसे ग्लास लगाएंगे फिर आपको ये जो ग्लास के कॉर्नर है वहाँ पर एक इस साइड और एक इस साइड आपने ब्लू प्लग लगाना है और उसको दो दो ब्लॉक और ऊपर कर देना है और इन दोनों को आपने आपस में मिला देना है। उनको मिलाने के बाद फिर जो ये ग्लास है इसको भी दो दो ब्लॉक ऊपर कर देना है। जैसे दो दो ब्लॉक ऊपर करेंगे आपको दूसरे साइड का भी सेम ही करना है। उनको भी मैं यहाँ पर दो दो ब्लॉक को ऊपर कर देता हूँ और ऊपर करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो वुडन प्लैंक है वो यहाँ पर तीन ब्लॉक लगा देने और तीन सेम चीज़ आपने दूसरी साइड करनी है। तो मैं यहाँ पर तीन ब्लॉक लगा देना हूँ और तीन ब्लॉक लगाने के बाद फिर आपने व्हाइट कॉन्क्रीट लेना है और यहाँ पर तीन ब्लॉक लगा के यहाँ पर और एक यहाँ पर लेयर बना देनी है और एक ब्लॉक और ऊपर करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देना। कैसे ऐसा बनाएंगे तो आपने दूसरी साइड पर भी सेम करना है और देखिए कुछ ऐसी फिर लुक आएगी। देखिए फिर कुछ ऐसी लुक आएगी आपको, ऐसा ही आपने बना देना है। ऐसा बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने बनानी है स्टेयर्स। यहाँ पर एक स्टेयर, ऊपर भी एक स्टेयर और फिर आपने दो ब्लॉक लगाने हैं इसके आगे। यहाँ पर मैं दो ब्लॉक लगा देता हूँ और अब यहाँ पर मैं सीढ़ियाँ दो, मतलब कि दो स्टेयर और लगा देता हूँ, फिर से दो ब्लॉक लगाता हूँ और फिर से यहाँ पर दो स्टेयर्स लगा देता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब जो ये यहाँ पर ये जो स्टेयर्स है इसके इस तरफ जो एक वॉल है उसके ऊपर आपने 10 ब्लॉक्स लगा देने। 10 ब्लॉक्स लगाने के बाद फिर जो वो स्टेयर्स का दूसरी साइड है उस पर आपने चार ब्लॉक लगाने और चार ब्लॉक लगाने के बाद उसको भी यहाँ पर 10 ब्लॉक आगे कर देना है। जैसे 10 ब्लॉक आप आगे करके मतलब कि जो भी ये वॉल है इस तरफ उससे आपको मिला देना है। सेम चीज़ आपने नीचे करनी है, मतलब कि एक वॉल यहाँ पर आपको बना देनी है। तो चलो मैं यहाँ पर एक वॉल बना देता हूँ। देखो यार यहाँ पर मैंने जो वॉल है वो यहाँ पर बना दी है। वॉल बनाने के बाद इसको मैं दोनों को मिला देता हूँ। मिलाने के बाद ऐसा करने के बाद फिर आपने यहाँ पर इसको ऊपर से कवर कर देना है। तो ऊपर से कवर करना कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको ऊपर से कवर कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसको कवर कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसकी लुक आने वाली है। जैसे ही आप ये छत कवर कर देते हो फिर आपको कुछ ऐसी लुक देखने को मिलेगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है स्टेयर्स पास और स्टेयर्स के पास जाने के बाद फिर जो ये ऊपर की आपको खाल दिख रही इसको आपने यहाँ पर फिल कर देना है और इसको यहाँ पर मैं ढक देता हूँ। इसको ढकने के बाद फिर आपको कुछ ऐसी लुक देखने को मिल जाएगी। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, फिर यहाँ पर मैं एक खंभे टाइप यहाँ पर आपको बना देना है। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, अरे यार ये तो मुर्गी निकल यहाँ से। यहाँ पर मैं खंभे टाइम बना दिया है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने लगाना है यहाँ पर ग्लास, जो कि ग्लास का काम है वो तो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट से ग्लास लगा देता हूँ और फिर मैं आपको कहेगा प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्लास लिया और यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर ग्लास लगा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैंने ग्लास लगा दिया और यहाँ पर फिर आपने वुडन प्लैंक, तीन वुडन प्लैंक यहाँ पर आपने लगा देने। तीन वुडन प्लैंक लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये जो कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपने एक वुडन प्लैंक लगाना है और नहीं एक नहीं आपने तीन यहाँ पर वुडन प्लैंक लगाने और फिर आपने यहाँ पर तीन ब्लॉक और आगे लगाने, इसके तीन ब्लॉक और यहाँ पर ऊपर भी यहाँ पर तीन ब्लॉक, फिर वो सेम चीज़ आपने दूसरी साइड करनी है। यहाँ पर भी आपने तीन ब्लॉक आगे, इसके भी तीन ब्लॉक और ऊपर के भी तीन ब्लॉक आगे आपने लगा देने। अब आपने क्या करना है, अब आपने लगाना है ग्लास। तो यहाँ पर फटाफट से मैं फिर से ग्लास लगा देता हूँ। पहले तो यहाँ पर टाइम सेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं ग्लास फटाफट से लगा देता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पर ग्लास लिया, मैंने कहा गया ग्लास ये रहे, चलो मैं इसको ग्लास को यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर मैं आपको कहा प्रोसेस बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने ग्लास लगा दिए और ग्लास लगाने के बाद आपको फाइनल लुक कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग ऊपर के जो मतलब फ्लोर है वो बना सकते हैं। तो चलो मैं आपको बता देता हूं। अभी ऊपर का फ्लोर आपको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपने ये जो डोर दिख रहा है इसके पास में जो वुडन प्लैंक दो लगे हैं उसके ऊपर आप चार आपने ऊपर कंक्रीट ब्लॉक लगा देने हैं। तो यहाँ पर मैं कंक्रीट व्हाइट कंक्रीट ब्लॉक यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। लगाने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ऐसे यहाँ पर लगा देने हैं, यहाँ पर आपको इसके साथ के सबसे यहाँ पर रखना है। तो देखो यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ, ऐसे ही आपको रखना है। तो ऐसा करने के बाद फिर आपको कुछ ऐसा लुक मिलेगा। फिर आपको सेम चीज़ आपने इस साइड करनी है, इस साइड करने के बाद फिर इसको भी सेम आपने इसको मिला देना है। ऐसे मिलाने के बाद फिर आपने इस तरफ मतलब उसको हमने मूव करना है, इसको ब्लॉक यहाँ पर तोड़ देता हूँ
और चलो मैं इसको भी यहाँ पर मिला देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये मिलाएंगे, जैसे यहाँ पर मिलाएंगे, अरे यार एक तो ये ब्लॉक, इसको भी तोड़ देता हूँ। और अब आपने क्या करना है, ये जो ऊपर के छत है वो यहाँ पर आपको कवर कर देनी। तो मैं इसको कवर कर दूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो गाइस इसको मैंने यहाँ पर सिंपली से कवर कर दिया है। इसको कवर करने के बाद फिर आपको कुछ ऐसी लुक देखने को मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको ये कॉर्नर दिख रहा है, इस पर आपने एक ने तीन यहाँ पर तीन ब्लॉक वुडन प्लैंक लगाने हैं। यहाँ पर तीन ब्लॉक वुडन प्लैंक, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 1 2 3। वुडन प्लैंक लगाने के बाद आप अपने सिंपली से करना है यहाँ पर ग्लास लगा देना। तो मैं यहाँ पर ग्लास लगा देता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैंने ग्लास ऑलमोस्ट सभी लगा दिए हैं। ग्लास लगाने के बाद, अरे यार एक ग्लास लग गया, ये मुझको नहीं लगाना था इसलिए मैं इसको तोड़ देता हूँ। तो जैसे मैं इसको तोड़ देता हूँ, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको लगाने दो तीन वुडन प्लैंक। तो यहाँ पर मैं तीन वुडन प्लैंक लगा देता हूँ, वुडन प्लैंक लेता हूँ और यहाँ पर तीन आपको लगा देने। ऐसे तीन लगाने के बाद फिर आपको दो इसके बीच में से मैं हटा देता हूँ और इसके ऊपर आपको तीन ब्लॉक लगा देने और इस दोनों को मिला देना है। सेम चीज़ आपने दूसरी साइड करनी है, तो मैं या दूसरी साइड भी ऐसी सेम चीज़ कर देता हूँ। सो गाइस मैंने दोनों तरफ यहाँ पर सेम कर दिया। अभी दोनों को मैं मिला देता हूँ और यहाँ पर डे कर देता हूँ। मैं यहाँ पर डे करने के बाद हमें यहाँ पर अब आपको कुछ डेकोरेट वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर खिड़की लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं खिड़की लगा देता हूँ। यहाँ पर खिड़की मतलब विंडोज़ लगा रहा हूँ। विंडोज़ लगाने के बाद मैं यहाँ पर अंदर का भी व्यू आपको दिखा देता हूँ। अरे यार ये कहाँ से आ गया। चलो मैं यहाँ पर भी ग्लास लगा देता हूँ, ये थोड़ा सा रह गया था मुझे गलती से। सो गाइस यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर ग्लास लगा दिया। ग्लास लगाने के बाद आपको कुछ फाइनल लुक ऐसे देखने को मिल जाएगी। फिर आपको ये ग्लास भी यहाँ पर लगा देने। लगाने के बाद यार ये खंभा ये यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा, इसको मैं यहाँ पर तोड़ देता हूँ। और इसको तोड़ने के बाद अब यार आप क्या ही मज़े वाली लुक देखोगे। ये देखो यार क्या ही मज़े वाली लुक आ रही है। अभी आपको क्या कहना है, यहाँ पर मैं ग्लास लगाना है, मतलब कि जो ग्लास पेन है वो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। ये लगा लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये कैसे लगाने हैं। मैं यहाँ पर लगा लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे ही आपने लिखाने हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं ग्लास पेन, आपको सेम ऐसे ही लगाने हैं। देखो यार देख लो पहले, ये देखो ऐसे लगाने हैं आपको। ऐसा लगाने के बाद चलो मैं आपको नीचे के फ्लोर का भी व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले तो गेट लगा देता हूँ और चलो अभी अंदर का व्यू दिखाता हूँ। अरे यार यहाँ पर स्टेयर्स दिख रही हैं, चलो इसको कवर कर देते हैं। यहाँ पर इसको कवर कर दूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पर इसको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद आपको कुछ ऐसी लुक देखने को मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर बाहर चलता हूँ और बाहर चलने के बाद यहाँ पर देखो बोला देखो क्या यार, उसके डोर तो मैंने लगाए ही नहीं। चलो डोर भी यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। चलो मैं यहाँ पर डोर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सिंपली से इसको लगा देता हूँ। डोर लगाने के बाद यार क्या ही मस्त वाली लुक आ रही है। अब है ना फ्लोर कंप्लीट। चलो फिर आपको कुछ इसमें कुछ डेकोरेट वगैरह करना है तो वो कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर ग्रास लगा देता हूँ जो कि मेरे पास ये पड़ी है। चलो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो कुछ ऐसी लुक आपको देखने को मिल जाएगी, मज़े वाले लुक है कि नहीं। अगर ये मतलब ये मॉडर्न हाउस आपको अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।